वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सरजी। तो जैसा कि हम बताए दोस्तों कि अब हम चलिए, जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था फार्माकोपिया। तो हम मैंने बोला था कि अगले वीडियो में रहा होगा इंडियन फार्माकोपिया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंडियन फार्माकोपिया लिख रखा है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। जैसा कि अगर यदि आप लोगों को जो भी चीज़ें नई समझ में आती हैं मेरे समझाने के बाद भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ आया। तो अगर यदि हो सकेगा तो मैं आप लोगों को कमेंट करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई और अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया। अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात करें, इंडियन फार्माकोपिया हमारा क्या है, जैसा कि हमने फार्माकोपिया पढ़ा था कि फार्माकोपिया क्या था हमारा, कि फार्माकोपिया में एक स्टैंडर्ड फार्मुलेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग ड्रग्स, यानी कि एक बुक होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, फार्मूला कि कैसे हमारे ड्रग्स बनाए थे, फार्मूला कैसे तैयार किए थे, मतलब सब कुछ उस बुक के अंदर से लिखे गए होते हैं। और उसी बुक के अनुसार सारी कंपनियां में ये बुक चलती हैं, और सारी कंपनियां उसी बुक से, उसी फार्मूले से मेडिसिन और ड्रग्स बनाते हैं। और ये जो बुक होती है, ये हर एक देश का अलग अलग बुक होता है। एवरी गवर्नमेंट्स अलग अलग, मतलब सभी देशों का अलग अलग बुक होता है। ये हर गवर्नमेंट्स अपनी बुक अलग अलग, यानी कि अपने देश के लिए इशू करती है, यानी कि सब देश वाले अपने अलग अलग बुकों को लेकर के सही प्रिपरेशन और मेडिसिन को, ड्रग्स को तैयार करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख रखा है इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक स्टैंडर्ड फॉर ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इम्पोर्ट फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सेल स्टॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। यानी अगर इंडियन फार्माकोपिया की अगर हम बात करें, तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया वाला का एक ऑफिशियल बुक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये फार्माकोपिया क्या है, एक रिटन बुक ही होता है। यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया का ये भी एक ऑफिशियल बुक है, और किसके लिए है, ये भी उसी के लिए है जिसमें क्या है, उस बुक के अंदर क्या है, फॉर ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिफाई प्योरिटी, यानी कि जो ड्रग्स होता है उसको प्रिपेयर तैयार करने के लिए और आइडेंटिफाई प्योरिटी को मतलब जांचने के लिए कि प्योरिटी कितनी है, मतलब कैसी है और कैसी नहीं है, जो हमारे ड्रग्स जो बनाने जा रहे हैं, तो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। और स्ट्रेंथ भी रहता है फॉर द ड्रग इम्पोर्ट, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रहता है कि कैसे किस प्रकार से उसमें ट्रांसपोर्ट कराया जाए, कैसे सेफ्टी रहता है। और मैन्युफैक्चर फॉर सेल स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चर मतलब बनाने के प्रोसेस जो सब कुछ है वो भी रहता है, और स्टॉक मतलब स्टॉक रखने के लिए वो भी, और डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए भी, यानी कि जो कुछ भी है, यानी उस बुक के ही अंदर सब कुछ क्या है, उसमें है, उसमें मेंशन रहता है। जैसा कि जो भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया होता है उसमें हर एक चीज़ में मेंशन की गई होती है कि दवा को मेडिसिन कैसे बनाएंगे, कैसे इसको स्टोर करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, मतलब सारी सारी प्रोसेस क्या होती है उस इंडियन फार्माकोपिया के अंदर रहती है। ठीक है, तो अगर यदि हम बात करें उसके आगे, देखिए क्या हमारा, बिफोर इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज इन इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले हमारे जो हमारे देश में जो फार्माकोपिया चला था, कौन सा रहा था, ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारे देश में चल रहा था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे से पहले हमारे देश में कौन सी फार्माकोपिया यूज होता था, तो हमारे देश में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज किया जाता। और अगर जी हम अगला बात करें, तो अगला देखिए मैंने जो आपको स्टार मार्क बनाया वो क्या लिख रखा है मैंने, इन 1946 गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इशू वन लिस्ट नोन एज इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, यानी कि 1946 में गवर्नमेंट, यानी जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने थी, वह एक इशू करती है लिस्ट, ठीक है, जो फार्माकोपिया से रिलेटेड क्या है इशू लिस्ट करती है, जिसका नाम ही क्या था, फार्माकोपिया लिस्ट। और अगला हम बात करें, अगर अगला जो स्टार मैंने बना रखा है यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख रखा है इसमें, सर आर्यन चोपड़ा एंड 9 अदर मेंबर पार्टिसिपेट या प्रिपेयर्ड, सॉरी पार्टिसिपेट प्रिपेयर्ड इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, यानी कि सर आर्यन चोपड़ा और 9 अदर मेंबर थे जिन्होंने क्या किया था, इस फार्माकोपिया लिस्ट को तैयार किया था। और अगर उसके बाद हम देखें, तो अगला हमारा क्या है, इन 1948 गवर्नमेंट मेक कमिटी फॉर रिपेयरिंग फार्माकोपिया इन इंडिया, यानी कि 1948 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई जिसमें क्या था, उस कमिटी में यही था कि फार्माकोपिया को मतलब प्रिपेयर करने, मतलब फार्माकोपिया को तैयार करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। कब बनाया गया था, 1948 में, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो कि सब कुछ होने के बाद, जो प्रोसेस होने के बाद 1955 में, यानी कि 1955 में पहला फार्माकोपिया, यानी कि पहला फार्माकोपिया बुक जो था, यानी कि जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन 1955 बाय अंडर चेयरमैन डॉक्टर
बीएम कोर्स, यानी कि जो पहला हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो बुक जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1955 में, यानी 1955 में पहला फार्माकोपिया पब्लिश हो चुका था। और हाँ, किस कौन उस समय के चेयरमैन कौन थे, तो उस समय के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष थे। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन फार्माकोपिया में इतना। अभी अब हम आगे देखते हैं कि इस इंडियन फार्माकोपिया का इसका हमारा पब्लिश कब, एडिशन कब कब हुआ था, और इसमें वॉल्यूम क्या है, और इसका मोनोग्राफ क्या है। तो हम आगे चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं और आते हैं आगे। तो आइए हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जैसे मैंने बोला था कि हम एडिशन देखें, एडिशन देख लीजिए, एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 में, यानी कि 1955 में पहला एडिशन था हमारा, कब था, 1955। और उस समय के जो हमारे चेयरमैन थे कौन थे, डॉक्टर बी एन घोष थे। अगर हम सेकंड दूसरा एडिशन देखें, दूसरा एडिशन क्या हमारा 1966 यानी 1966 में दूसरा एडिशन था, यानी कि दूसरा हमारा जो पब्लिश हुआ था बुक, तो कब आया तो 1966 में। तो उस समय के चेयरमैन कौन थे, शंकर एस उस समय के चेयरमैन थे। और थर्ड एडिशन देखें, थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन हमारा 1985 में पब्लिश हुआ था, और उस समय जो चेयरमैन थे कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद थे। ठीक है, और अगर ये फोर्थ एडिशन आईपी की बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया, तो हमारा जो फोर्थ एडिशन है कब है हमारा, 1996 यानी कि 1996 हमारा चौथा एडिशन आया था। और उस समय के हमारे जो चेयरमैन थे कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद ही उस समय के भी थे चेयरमैन। और अगर जब फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं, फिफ्थ एडिशन हमारा 2007 में आया था, पब्लिश हुआ था, और उसमें के डॉक्टर नित्यानंद ही चेयरमैन थे। अगर जब सिक्स्थ एडिशन की बात करते हैं, सिक्स्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की बात करें, तो वो भी 2010 में आया था, और उस समय के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद ही थे। और सेवंथ एडिशन की बात करें, सेवंथ एडिशन हमारा 2014 में आया था, जो कि किसके अंडर में था, यानी कि उसमें चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद ही थे। और अगर एट एडिशन बात करें, तो एट एडिशन हमारा 2018 है, नॉट मेंशन बुक, लेकिन ये बुक में अभी मेंशन नहीं हुआ है। तो ठीक है, ये था हमारे एट एडिशन। ठीक है, और कौन चेयरमैन थे, किसके अंडर में आया था, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम। अभी देखिए इसमें वॉल्यूम भी आया था। ठीक है, अब वॉल्यूम देखते हैं कब कब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब अभी उसके बाद फिर देखेंगे। तो अगर अभी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम कब कब आया था, ठीक है, कितने वॉल्यूम आए थे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, जैसा कि हम बात करें इन थर्ड एडिशन, जब थर्ड एडिशन हमारा आया था उस वक्त दो वॉल्यूम आए थे। ठीक है, इन थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश टू वॉल्यूम। ठीक है, जब थर्ड एडिशन आया था उस दौरान दो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। और अगला जो हमारा है इन सिक्स एडिशन आईपी वाज पब्लिश थ्री वॉल्यूम, यानी कि जब हमारा सिक्स एडिशन आया था उस दौरान तीन वॉल्यूम आए थे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड और वॉल्यूम थर्ड। तो चलिए हम आगे देखते हैं मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या है, आइए देखते हैं मोनोग्राफ। हम सप्लीमेंट देखें, क्योंकि वॉल्यूम से पहले हमारा सप्लीमेंट ही आया था, तो हम सप्लीमेंट देंगे, यानी कि सीरियल वाइज देखते हुए चलेंगे। तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो भी ये चीज़ आप लोग के लिए बना रहा हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बना रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं लिखवा दे रहा हूँ आप लोग को। बोरिंग टाइप की चीज़ें मैं नहीं बता दे रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा दे रहा हूँ एकदम बोरियस टाइप की चीज़ें लगे, अरे पढ़ने में भी आप लोग बोर हो जाए। ठीक है, तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ एकदम शॉर्ट वे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम इजी में, यानी आप लोग एग्जाम्स में बस इसी तरीके से आप लोगों को लिख करके चलें, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं उसको, और आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सप्लीमेंट। पहले आप जानते हैं सप्लीमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, सप्लीमेंट इज अ समथिंग दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट कम्प्लीटेड। यानी कि जो हमारा सप्लीमेंट होता है, वो सप्लीमेंट क्या था, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एडिशन 1955 में था, 1955 में पहला एडिशन हुआ था, तो अगर यदि उस एडिशन में कोई गलती हो गई हो या कोई चीज़ छूट गया हो, तो उसके दौरान हम क्या करते थे, अलग से फिर से क्या करते थे, उसका एडिशन करते थे, यानी दोबारा फिर से उसमें क्या एडिशन मतलब कि ऐड किया करते थे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट, यानी कि कोई चीज़ छूटा हो और कोई चीज़ में गलती हो, उसमें दोबारा फिर से उसको हम ऐड करना, उसमें दोबारा हम लोग फिर से ऐड करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट कहलाता है, यानी उस गलती को सुधारते हैं और जो चीज़ छूटा है उसको पूरा करते हैं, वही हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट। तो अगर हम बात करें, सप्लीमेंट हमारा पहला क्या था, इन 1960 सप्लीमेंट ऑफ आई पी इंडियन फार्माकोपिया 1955 वाज पब्लिश, यानी जो 1955 वाला जो हमारा पब्लिश हुआ था जो फर्स्ट एडिशन,
उसका जो सप्लीमेंट आया था कब आया था, 1960 में आया था उसका सप्लीमेंट। और अगर हम दूसरा बात करें तो जो दूसरा हमारा एडिशन 1966 में जो पब्लिश हुआ था उसका हमारा सप्लीमेंट कब आया था, 1975 में आया था। और अगर यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर अडेंडम भी और सप्लीमेंट भी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अडेंडम और सप्लीमेंट है क्या। देखिए अडेंडम मतलब होता है कि अलग से चीज़ों को ऐड करना, सप्लीमेंट मतलब क्या था, इम्प्रूव यानी कोई गलती है उसको सुधारना या तो फिर कोई चीज़ में ऐड करना, जो कमी उसे ऐड कर देना, ठीक है, वो सप्लीमेंट था। लेकिन अडेंडम भी है, देखिए अडेंडम मतलब क्या, कोई चीज़ अलग से उसमें ऐड करना, तो दोनों अप्रॉक्सीमेट चीज़ें क्या एक ही है। तो ये जो हमारा फर्स्ट अडेंडम था कब आया था, 1989 में, ठीक है, और जो हमारा सेकेंड अडेंडम सप्लीमेंट होगा वह 1991 में, और थर्ड अडेंडम की बात करें जो सप्लीमेंट क्या है 2000 में, और यदि फोर्थ अडेंडम सप्लीमेंट की बात करें तो हमारा कब है वो, और यहाँ पर सप्लीमेंट नॉन सप्लीमेंट, तो हमारा अगर यदि हम फोर्थ सप्लीमेंट की बात करते हैं या अडेंडम बात करते हैं हमारा 2002 में। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम वॉल्यूम, ठीक है, ये हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं वॉल्यूम बता दें सप्लीमेंट तो फिर थोड़ा आप लोग करवा जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा सीरियल वाइज रहेगा तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर यदि इसमें कोई दिक्कत हो, डाउट्स हो, तो हमें जरूर कमेंट करें। चलिए आइए देखते हैं, हम वॉल्यूम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है मोनोग्राफ, तो हम बात करते हैं मोनोग्राफ क्या है। मोनोग्राफ हमारा मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर ड्रग, यानी कोई एक पार्टिकुलर ड्रग हो, ठीक है, उसके बारे में डिटेल हम पढ़ें, कोई पार्टिकुलर ड्रग के बारे में उसी बारे में हम डिटेल में पढ़ें, उसी को क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर ड्रग, यानी कोई पार्टिकुलर ड्रग का उसके उसी के बारे में डिटेल में जानकारी लेना या पढ़ना हमारा क्या कहलाता है, वो मोनोग्राफ कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, तो हम जैसा की बात करते हैं मोनोग्राफ, यहाँ पर देखते थे मैंने मोनोग्राफ लिख रखा है। मोनोग्राफ क्या होता है हमारा, मोनोग्राफ होता है जैसा कि हम बात करते हैं मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ हमारा होता क्या है, देखिए मैंने लिख रखा है मोनोग्राफ क्या है। मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर ड्रग, यानी कि कोई एक ड्रग हो जिसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन उसके पता करें, कोई हमारा क्या कहलाता है, मोनोग्राफ, यानी कि कोई भी हमारा ड्रग्स हो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ें या डिटेल में जाने, वही हमारा क्या कहता है, मोनोग्राफ, ठीक है। अगर जैसे हम बात करें मोनोग्राफ, जैसे हमारा केमिकल नेम होता है, हर ड्रग्स का क्या अलग अलग केमिकल नेम, उसके बारे में डिटेल पढ़े, हो गया हमारा ऐसे ऐसे होता है, और फार्मूला भी होता है सॉल्युबिलिटी एसिडिफिकेशन और पीएच, तो हर ड्रग्स के अलग अलग फार्मूले सॉल्युबिलिटी केमिकल नेम पीएच होता है, ठीक है, तो उसको अगर डिटेल में पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन पता करते हैं उसका, तो हमारा क्या मोनोग्राफ कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं अगर मोनोग्राफ हमारा कब कब ऐड हुआ था, तो अगर हम बात करें इन थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया इन 1985 है 261 न्यू मोनोग्राफ, यानी कि जो थर्ड एडिशन तीसरे एडिशन में 1985 में 261 मोनोग्राफ क्या गया था, ऐड किया गया था। और हम अभी बात करें तो अगला हमारा क्या है, अडेंडम फर्स्ट इन 46 न्यू मोनोग्राफ, यानी कि अडेंडम फर्स्ट में 46 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था। और अगर हम अगला बात करें अडेंडम सेकंड में 62 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। और अगर हम अगला बात करें फोर्थ एडिशन, यानी फोर्थ एडिशन में 294 मोनोग्राफ एंड डिलीट 410 मोनोग्राफ, यानी कि देखिए जो फोर्थ एडिशन था उसमें 294 मोनोग्राफ को ऐड किया गया था और 110 मोनोग्राफ को क्या किया था, डिलीट किया गया था। और अगर हम बात करें इन 2000 में क्या हुआ था कि 42 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, और 2002 में क्या गया था, 19 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था इन फिफ्थ एडिशन, और पांचवी एडिशन में क्या हुआ था, 271 मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, और फिर 2008 में 72 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। आगे लिख रखा मैंने इन सिक्स एडिशन एड 287 मोनोग्राफ, यानी कि सिक्स एडिशन में 287 मोनोग्राफ ऐड किया गया था। इन 2012 में 52 न्यू मोनोग्राफ, यानी कि 2012 में 52 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। इन सेवंथ एडिशन एड 577 न्यू मोनोग्राफ, यानी कि हमारा जो सेवंथ एडिशन था उसमें 577 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। तो ये है हमारा मोनोग्राफ। तो जैसा कि हम एक शब्द और छूट रहा हमारा कंपेंडिया, तो हम कंपेंडिया भी बताए थे। देखिए कंपेंडिया जो है वो भी इसके बारे में जानते हैं। कंपेंडिया क्या है, कंपेंडिया है कलेक्शंस ऑफ ड्रग्स, या फिर ये कह सकते हैं स्टडी अबाउट ड्रग्स
इन कलेक्शन फॉर्म या कलेक्शन वे, यानी कि कोई ड्रग्स हो उसकी हम स्टडी करें कलेक्शन फॉर्म, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में उस चीज़ के बारे में पढ़े कोई ड्रग्स के बारे में या उसको कलेक्शन करें। वही बारा क्या करता है कंपेंडिया। कंपेंडिया देखिए दो टाइप्स होता है, एक होता है ऑफिशियल कंपेंडिया, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। और इस बार 2021-22 में यही कंपेंडिया पूछा गया है, कंपेंडिया आपका 2021-22 में ये पूछा गया, डिफाइन कंपेंडिया, यानी दो नंबर में क्वेश्चन आया था बिफोर फर्स्ट सेम में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कंपेंडिया। ठीक है, तो बस जितना मैंने कहा है दोस्तों बस इतना ही आप लोग को लिखना है इंडियन फोटोकॉपिया में, अगर इतना अच्छे सब्जेक्ट डालते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अगले नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जो भी लोग नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक दोस्तों नमस्कार।